के दौरान भारत के युवाओं को विदेशी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ने की एक नई प्रेरणा नेताजी ने दी थी। न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कैसे हमें देश की आजादी की लड़ाई को आगे ले जाना है, एक गजब की रणनीति नेताजी ने उस समय तैयार की थी। आज उसी का परिणाम है कि हम जब भारत के बाहर जाते हैं बहुत सारी जगहों पर हमें नेताजी से जुड़े हुए वे स्थल देखने को मिलते हैं। उस समय युवाओं का आह्वान करते हुए नेताजी ने जो आह्वान किया था, जब देश की आजादी की लड़ाई को प्रखरता के साथ उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो उन्होंने भारत के नौजवानों को एक ही आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह देश की आजादी का एक मंत्र बन गया और देश की आजादी का एक मंत्र बन करके लाखों लाख युवा देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो गए। न केवल युवा बल्कि हर भारतवासी, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी जाने वाली इस लड़ाई का हिस्सा बना और न केवल भारत में बल्कि म्यांमार में, सिंगापुर में, दुनिया के तमाम अन्य देशों में उन्होंने इस लड़ाई को बड़ी प्रखरता के साथ बड़े प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया। आज यही कारण है कि हर भारतवासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति बड़ा श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। यह हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती को देश के अंदर पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और एक साप्ताहिक आयोजन इसके साथ जोड़ने का कार्यक्रम बनाया है। नेताजी भारत के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक रहे हैं और उन्होंने भारत के युवाओं को भारत के इस पराक्रम के साथ जोड़ने का काम किया। आज जब हम 127वीं पावन जयंती के अवसर पर नेताजी का स्मरण कर रहे हैं, इस अवसर पर हमारी सुरक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए, आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा, इस स्थिति में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। भारत की इस वर्तमान स्थिति को इस प्राकृतिक भारत के माध्यम से आगे बढ़ने के प्रेरणा स्रोत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए नेताजी को देश के लिए उनकी सेवाओं के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए अपने प्रदेश के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा कि मातृभूमि के लिए हम जो भी कर पाएंगे वह कम होगा और इस दृष्टि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। जो जिस क्षेत्र में है, छात्र है, पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करे, नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा उसके मन में होनी चाहिए। समाज के जिस क्षेत्र का है,
अगर वो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो नेताजी के प्रति यह हमारी सच्ची श्रद्धा होगी, सम्मान होगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में उस प्रकार की व्यवस्था के सख्त हिमायती थे कि यह होना चाहिए। कर्तव्यों के प्रति आग्रही हम सबको होना पड़ेगा, तभी हम पराक्रमी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः नेताजी को नमन करते हुए, इनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, मैं इस अवसर पर नेताजी के आदर्शों का अनुसरण हमारे युवा करेंगे इस विश्वास के साथ आप सबको आज के इस पराक्रम दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद।